गाजियाबाद के लोनी विकास कुंज निवासी शिवम ठाकुर यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई के लिए गए थे और MBBS के थर्ड ईयर के छात्र हैं। रूस और यूक्रेन के लगातार बिगड़ते हालातों से शिवम यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिन्होंने अपने परिवार को वहां के हालातों के बारे में बताया, जिसके बाद से परिवार के सभी सदस्य शिवम को लेकर काफी चिंतित हैं। परिवार के लोगों का कहना है कि वो मोदी सरकार से अपील करते हैं कि शिवम समेत तमाम भारतीय छात्रों को सही सलामत भारत वापस ले आए। चलिए हम आपको दिखाते हैं वो वीडियो जो शिवम ठाकुर ने यूक्रेन से भेजी है। हेलो, मैं शिवम ठाकुर फ्रॉम लोनी गाजियाबाद। मैं यूक्रेन में MBBS करने आया था, लेकिन यहाँ का मंजर बिल्कुल बदल गया है। यहाँ गैसक का मंजर है, यहाँ मैं फंस चुका हूँ। मेरा परिवार बहुत परेशान है, मेरे परिचय भी मुझसे दूर है, मेरा परिवार भी मुझसे बहुत दूर है। यहाँ पर कोई भी मदद नहीं मिल रही है, यहाँ हम फंसे हुए हैं। कृपया आप सभी से गुहार कर रहा हूँ कि मुझे इंडिया जल्दी से जल्द बोला जाए। मेरे पास इतनी सुविधा नहीं है कि मैं इंडिया में सरकार से बात कर सकूँ। आप इंडियन भाइयों से मेरी अपील है कि सरकार से अपील करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरी बात को बहुत से ज़्यादा शेयर करें। आपकी बहुत कृपा होगी, धन्यवाद। सर, मेरा बेटा बहुत परेशान है, बहुत रो रहा है। वहाँ पर न खाने को न पीने को कुछ भी नहीं है, पैसा भी नहीं है उसके पास, बैंक भी बंद पड़े हैं। बस वो रोए जा रहा, कह रहा है मुझे कैसे यहाँ से निकाल लो। वहाँ के हालात को लेकर क्या बताना है, जो हालात है तो वहाँ पर दिखाए, उनने कि बम बम फूट रहे हैं, बहुत सारे आदमी मरे हुए भी दिखाए जा रहे हैं, उसमें डाले थे उसने फोटो में। बहुत परेशान हो रहा है वो, उसे कैसे भी निकाल के ले आया जाए। सरकार से मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ, मोदी जी कैसे भी मेरे बच्चे को, मेरे सारे बच्चे हैं जितने भी पढ़े हुए गए वहाँ पे, पता नहीं कैसे कैसे हमने पहुँचाए यहाँ पे। हमारी वो भी औकात भी नहीं थी, फिर भी हमने पहुँचाया कि चलो हमारा बच्चा पढ़ ले। हम बहुत ज्यादा परेशान है। कितने दिन हो गए उसको वहाँ पर? तीसरी साल चल रही है उसके। हालात आपसे पहले कैसे? पहले सही थे। अब आज के हालत? आज क्या ज्यादा। 27 तारीख की सूचना थी कि वो वापसी आना था। हाँ, फ्लाइट थी उनकी, कैंसिल कर दी वहाँ से। किसने कैंसिल कर दी? उन्होंने, लोगों ने करी, सरकार ने कैंसिल करी।